हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी हरी भरी बगिया में। और दोस्तों, आज हम आए हैं अपनी आंटी जी की बगिया में। ये हमारी बगिया नहीं है, जहाँ हम रहते हैं ये वहीं लगी हुई है, घर के नीचे पीछे साइड की बगिया है। और यहाँ पे काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं। देखिए, यहाँ पे हरे भरे गुलाब के पौधे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, जो सारे फूल रहे हैं। बड़े अच्छे अच्छे इनमें फूल आ रहे हैं। देखिए कितना अच्छा गुलाब फूला है, और सारे गुलाब बड़े अच्छे से हरे भरे हैं। और ये सारे गुलाब कटिंग से लगाए गए हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में या गमले में गुलाब की कटिंग लगाने वाले हैं या लगाना चाहते हैं, तो जब भी आप गुलाब की कटिंग लेके आएं, तो उसके नीचे जो हिस्सा मिट्टी में लगाना है, उस हिस्से में एलोवेरा ज़रूर थोड़ा सा लगाने के बाद लगाएं, क्योंकि एलोवेरा रूटिंग हार्मोन का काम करता है, जिससे रूट बड़े आसानी से निकलती हैं और जल्दी लग जाता है। गुलाब तो नॉर्मल मिट्टी में भी लग जाता है। ये सारे गुलाब नॉर्मल मिट्टी में ही लगे हुए हैं, यहाँ पे कुछ नहीं डाला है। बस थोड़ा सा क्यारियाँ जैसे बनाया गया है, साइड साइड से मिट्टी हटा के बीच में गड्ढे जैसे करके, ताकि पानी आराम से रुक सके यहाँ, इसी तरीके से लगाया है। और बड़े अच्छे से हो रहे हैं, देखिए फूल भी रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारी आंटी जी की बगिया है, इसमें ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियाँ लगी हुई हैं कुछ, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या लगा हुआ है। तो देखिए, वीडियो में हमारे साथ बने रहें। चलिए दिखाते हैं आपको और क्या क्या लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ पौधे भी लगे हुए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, हमारे यहाँ पे लगी हुई है मीठी नीम के पौधे थोड़े से, और ये है नींबू का पौधा, जो बड़े अच्छे से ग्रो हो रहा है। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, ये देखिए। और ये देखिए, यहाँ पे लगी हुई है मेथी, और मेथी जो उगाई गई है, इस मेथी में गोबर की खाद और मिट्टी मिक्स करके क्यारी बना करके लगाया है। बड़ी अच्छी ग्रो हो रही है, इनमें कोई बाहर की खाद नहीं डालते हैं। देखिए मेथी, किस तरीके से मेथी हुई है, बड़े अच्छे से ग्रो हुई है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए हरी भरी क्यारियाँ दिख रही होंगी आपको वीडियो में, क्यारी बना बना के बोई हुई थी, जो बहुत अच्छे से ग्रो हो चुकी है मेथी। अभी तोड़ने के लिए तैयार है, देखिए तोड़ भी रहे हैं। ये देखिए, इधर धनिया लगी हुई है जिसमें फूल आ रहे हैं। इधर थोड़े से लगे हुए हैं चेरी टमाटर के पौधे, जो बहुत फैले हुए हैं इधर उधर, क्योंकि इनकी बेल होती हैं। और ये फूल भी आ रहे हैं इसमें, देखिए पीछे सरसों है कुछ कुछ। ये देखिए दोस्तों, ये है सौंफ, ये सौंफ बोई हुई है, जो बड़ी अच्छी लग रही है, हरी हरी, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी सामने से। यहाँ पालक लगी हुई है, देखिए पालक भी बड़ी अच्छे से हुई है। यहाँ पे इसीलिए लगाए हैं, ताकि केमिकल फ्री सब्जियाँ मिल जाएं। देखिए पालक कितनी अच्छी हुई है। और यहाँ पे कुछ फूलों के पौधे भी लगे हुए हैं, चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। ये देखिए, छोटे छोटे चारों तरफ बगिया के फूल लगे हुए हैं, कहीं गुलाब कहीं गेंदे की फूल, इस तरीके से कई पौधे लगे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पे नींबू के पौधे दिख रहे हैं आपको, दिख रहे होंगे वीडियो में। ये है नींबू का पौधा, और ये दो दिख रहे हैं जो, ये भी नींबू के ही पौधे हैं। सभी चीज़ें लगी हुई हैं थोड़े थोड़े से। देखिए इधर लगे हुए हैं कटहल के पौधे, और नीचे कुछ चना भी लगा हुआ है, और यहाँ थोड़ी सी मटर लगी हुई है, जो फल भी रही है। देखिएगा, ये देखिए फल भी दिख रहे हैं, मटर में फल भी आ रहे हैं।
और कुछ आम के पौधे भी लगे हुए हैं जो अभी काफी छोटे हैं। ये देखिए, ये आम का पौधा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और थैंक यू, बाय बाय।